हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम कॉलम चार्ट्स बनाना सीखेंगे कॉलम चार्ट वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन चार्ट्स हैं कॉलम चार्ट हर एक डेटा पॉइंट को वर्टिकल कॉलम्स में दिखाता है जिसकी हाइट वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड होती है वैल्यू स्केल वर्टिकल एक्सिस पर होता है जो कि आमतौर पर चार्ट के लेफ्ट साइड में होता है आप डेटा सीरीज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट्स का कोई भी नंबर हर एक सीरीज के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं अलग अलग डेटा सीरीज अलग अलग कलर में दिखती हैं तो आप अलग डेटा सीरीज को इनकी कलर की मदद से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉलम चार्ट्स ज़्यादातर डिस्क्रीट आइटम्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये एक सीरीज या कई सीरीज़ के आइटम्स के बीच डिफरेंस को शो कर सकते हैं यहाँ अलग अलग तरह के कॉलम चार्ट्स होते हैं और ये जो चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं इसको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट कहते हैं यहाँ और भी अवेलेबल कॉलम चार्ट को देखने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाकर ये सिंबल इस पर क्लिक करेंगे ये कॉलम चार्ट्स का सिंबल है अब आप यहाँ कॉलम चार्ट्स में अवेलेबल सारे ऑप्शंस देख सकते हैं ये पहला चार्ट क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है जो कि स्टैंडर्ड कॉलम चार्ट है सेकंड ऑप्शन स्टैक्ड कॉलम चार्ट है इस चार्ट में डेटा सीरीज एक दूसरे के ऊपर लगी होती है तीसरा 100% परसेंट स्टैक्ड कॉलम चार्ट है जिसमें डेटा सीरीज टैक्ड रहती है और परसेंटेज में शो होती है सेकेंड रो में आप इन चार्ट के थ्री डी देख सकते हैं पहला है थ्री डी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जो कि सेम है टू डी क्लस्टर्ड चार्ट के लेकिन दिखने में थ्री डी में है सेकेंड थ्री डी स्टैक्ट कॉलम थर्ड थ्री डी हंड्रेड परसेंट स्टैक्ड कॉलम और लास्ट थ्री डी कॉलम जिसमें हम मल्टीपल सीरीज़ अरेंज हुई देख सकते हैं थर्ड एक्सिस में तो चलिए अब इस क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं इस कॉलम चार्ट में आप पैंट और शर्ट्स दो प्रोडक्ट की मंथली सेल्स देख सकते हैं इस चार्ट से आप ये तो देख सकते हैं कि पैंट की सेल हर महीने में शर्ट की सेल से ज़्यादा रही है और हर महीने शर्ट की सेल में गिरावट आ रही है जबकि पैंट की सेल इंक्रीज हो रही है तो चलिए देखते हैं इस क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को कैसे बनाते हैं पहले इस चार्ट को डिलीट करेंगे जो हमने पहले ही बना रखा है अब आसान तरीका ये है कि पहले हम सारा डेटा सिलेक्ट करेंगे फिर हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर क्लस्टर्ड कॉलम ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आ गया है इस तरह चार्ट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ये है कि मानो आप इस टेबल में एडिशनल कॉलम ऐड करना चाहते हो या आप इस टेबल में और महीने ऐड करना चाहते हो तो आपको इस चार्ट को दोबारा क्रिएट करने में मुश्किलें आएंगी तो इसीलिए हम देखेंगे कि इस चार्ट को ब्लैंक स्लेट पर कैसे बनाएं तो हम इस चार्ट को डिलीट करेंगे हम डेटा सिलेक्ट नहीं करेंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाकर कॉलम चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लैंक है या कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ है जब आप इस ब्लैंक चार्ट एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो आप मेन्यू में दो एडिशनल ऑप्शन देख सकते हैं पहला है डिज़ाइन और दूसरा फॉर्मेट पहले हम इस डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पर इस सिलेक्ट डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट डेटा ऑप्शन इस चार्ट एरिया पर राइट right क्लिक करके भी आ सकता है तो अब आप इस डेटा सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स में दो पार्ट्स देख सकते हैं पहला पार्ट है लेजेंड एंट्रीज़ का तो यहाँ वो डेटा सीरीज़ होगी जो आप प्लॉट करना चाहते हैं तो हम यहाँ ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ दो पार्ट्स देख सकते हैं पहला है सीरीज़ नेम तो हमारी पहली सीरीज़ यहाँ शर्ट्स की होगी तो हम यहाँ शर्ट सिलेक्ट करेंगे और सेकंड बॉक्स है डेटा सीरीज़ वैल्यूज़ का तो हम इसमें यहाँ ये यह सारी वैल्यूज़ सिलेक्ट करेंगे तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि शर्ट की सेल्स इस चार्ट में शो हो रही हैं ओके okay पर क्लिक करेंगे तो ये तो हो गई एक डेटा सीरीज जो कि शर्ट की डेटा सीरीज है तो चलिए अब दूसरी डेटा सीरीज ऐड करते हैं डेटा सीरीज नेम या डेटा सीरीज वैल्यू ओके आप इस चार्ट के टॉप पर देख सकते हैं कि इन डेटा सीरीज की रेंज खुद ही अपडेट हुई है उस डेटा के बेस पर जो हमने सिलेक्ट किया है यहाँ राइट हैंड साइड पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबल्स हैं बाय डिफॉल्ट एक्सेल वन टू थ्री फोर फाइव सिलेक्ट करता है जो कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं लेकिन यह वन टू थ्री फोर फाइव लिखने की बजाय हम मंथ नेम लिखना चाहते हैं जो कि जैन फेब मार्च अप्रैल मे है तो हम यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे ये पांच वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और ओके okay पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एक्सिस लेवल्स में जैन फेब मार्च अप्रैल मे ये मंथ्स नेम लिखे आ रहे हैं अब यहाँ ओके OK क्लिक करेंगे तो आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास दो डेटा सीरीज इस चार्ट में प्लॉट हो गई हैं अब मानो आप शूज की सेल का कॉलम और ऐड करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ ऐड कर सकते हैं और फिर आप इस चार्ट के सिलेक्ट डेटा ऑप्शन पर जाकर यहाँ एक और सीरीज ऐड कर सकते हैं अब इस चार्ट में दो इम्पॉर्टेंट चीजें मिसिंग है पहला है चार्ट टाइटल तो हम चार्ट टाइटल ऐड करेंगे और दूसरा यहाँ लीजेंट बॉक्स मिसिंग है जो हमें बताता है कि ये ब्लू डेटा सीरीज और ऑरेंज डेटा सीरीज किस प्रोडक्ट के लिए हैं तो हम चार्ट के इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे इसके लिए हम यहाँ इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और चार्ट टाइटल और लीजेंट बॉक्स दोनों को टिक करेंगे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि शर्ट्स की डेटा सीरीज ब्लू में और पेंट्स की डेटा सीरीज ऑरेंज में है हम चार्ट के टाइटल को चेंज कर सकते हैं इसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको रिमूव करके नया टेक्स्ट ऐड करेंगे अगर आप इस लीजेंड बॉक्स की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो तो इस तरह हम एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाते हैं अगर हम एक टैग्ड कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो एक बार हमने ये चार्ट बना लिया तो उसको बनाना भी काफ़ी इजी है तो हमें बस इस चार्ट एरिया पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है और फिर इंसर्ट पर जाना है और फिर चार्ट टाइप को चेंज करके स्टैग्ड कॉलम में कर देना है तो इस चार्ट में दो डेटा सीरीज पैंट्स और शर्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं तो आप इन दोनों डेटा सीरीज की डिटेल सिंगल कॉलम में देख सकते हैं तो इस चार्ट में ये एडवांटेज है कि हम इसमें दोनों प्रोडक्ट की कंबाइन सेल देख सकते हैं जैसा कि इस चार्ट में हमारी टोटल सेल हर महीने ऑलमोस्ट सेम रही है लेकिन दो प्रोडक्ट्स के रिलेटिव प्रोपोर्शंस चेंज हुए हैं इसकी एक लिमिटेशन ये है कि इसमें आप सिर्फ ये नीचे वाले डेटा सीरीज को कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इसका एक कॉमन बेस है आप ऊपर वाली सीरीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका बेस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है आपको यहाँ एक आइडिया मिल सकता है कि ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है लेकिन आप इन्हें एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनका बेस सेम नहीं है और अगर आपके पास दो से ज़्यादा डेटा सीरीज हैं तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो चलिए अब इस चार्ट टाइप को 100% परसेंट टैक्ड कॉलम चार्ट में चेंज करते हैं अब आप देख सकते हैं कि ये टॉप मैक्स हो गया है यानी कि हर एक मंथ के लिए 100% परसेंट तो ये चार्ट हमें हर प्रोडक्ट का हर महीने का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है अब यहाँ देखिए ये वैल्यू एक्सेस जो है ये सेल्स अमाउंट की जगह अब परसेंटेज वैल्यू शो कर रहा है तो ये चार्ट एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम की कोई डिटेल शो नहीं करता है ये यूज़ करना तब बेहतर है जब आप डिफरेंट कैटेगरीज के कॉन्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना चाहिए आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके थ्री ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे थ्री ग्राफ में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती ये भी थ्री फॉर्मेट में सेम रिज़ल्ट शो करते हैं कुछ लोग इन्हें यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ज़्यादातर बिजनेस सेटिंग्स में थ्री ग्राफ प्रेफर नहीं किए जाते मोस्टली टू ग्राफ यूज़ होते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप थ्री ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं ये ऑप्शन थ्री ग्राफ क्रिएट करने का है बार चार्ट्स भी इसी के सिमिलर है आप यहाँ पर अवेलेबल बार चार्ट ऑप्शंस देख सकते हैं ये एग्जैक्टली कॉलम चार्ट से मिलते जुलते हैं बस डिफरेंस ये है कि ये बार चार्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुए हैं मतलब कि वर्टिकल बार्स की जगह हमारे पास हॉरिजोंटल बार्स हैं बार चार्ट यूज करने का एक फ़ायदा ये है कि कैटेगरी लेवल्स मतलब कि जो कॉलम चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबल्स थे वो बार चार्ट में इजीली रीड किए जा सकते हैं तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अगर मेरे पास यहां ये वैल्यू लंबी हो तो ये बार चार्ट में आसानी से पढ़ी जा सकती है अगर ये कॉलम चार्ट में होती तो ये वैल्यूज ओवरलैप हो सकती हैं और जिससे इस वैल्यू को रीड करने में मुश्किल होगी आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज पास पास आ गई हैं और अगर आपके पास बड़े लेवल्स होंगे तो ये वैल्यू ओवरलैप हो जाएंगी और इनको रीड करना मुश्किल होगा तो जितने भी ऑप्शन हमने कॉलम चार्ट्स में देखे थे वो बार चार्ट में भी अवेलेबल हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्लस्टर्ड बार है ये स्टेक्ड बार है और ये 100% परसेंट टेक बार और ये इसके 3D डी हैं तो जितने भी ऑप्शन हमने कॉलम चार्ट में देखे वो सभी ऑप्शन बार चार्ट में भी अवेलेबल हैं तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डेटा टेबल से बार चार्ट और कॉलम चार्ट कैसे बनाएं हमने चार्ट्स के मिसिंग एलिमेंट्स को ऐड करना भी सीखा हमने इस प्लस आइकन की हेल्प से चार्ट टाइटल और लीजेंड भी ऐड करना सीखा इस लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू